मैंने न्यू स्टूडियो फाइनली ले लिया है। सो हे गाइस, क्या हालचाल है, आई एम सचिन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। अगर आप लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता जरूर ही होगा कि सौरभ जोशी अपने घर के पास में ही एक नया स्टूडियो ले लिया है। अब सौरभ जोशी ये नया वाला हाउस क्यों लिए है आप खुद देख लो। मैंने न्यू स्टूडियो फाइनली ले लिया है, जो कि मैंने घर के पास में ही ले लिया है फाइनली। और लेने का रीजन ये है, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो भी हमारी मीटिंग होती है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, कोई भी हमारे घर में आता है तो सब यहीं बैठते हैं। छोटा स्पेस है हमारा, ये जो सोफे वाला एरिया आप लोगों को पता होगा, सब यहीं पे आते हैं, सब यहीं बैठते हैं, छोटा स्पेस है। और पूरी फैमिली, पूरे 10 के 10 लोग हम यहीं पे रहते हैं, तो थोड़ा ना ऑकवर्ड सा लगता है कोई मिलने आता है, कोई गेस्ट आता है, कोई मीटिंग होती है, क्योंकि सब खुला खुला है, सारे यहाँ सोफे बैठे होते हैं, सब मम्मी चाची सब काम कर रहे हो सब, तो वो थोड़ा ना अजीब सा लगता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। क्या फुकरा इंसान को मोदी जी ने ब्लॉक कर दिया है? जी हाँ, फुकरा इंसान ने अपने रिसेंट ब्लॉग वीडियो में दिखाया कि पीएम मोदी जी ने उनको ब्लॉक कर दिया है। मैं ये बात तुम्हारे को रिवील करने वाला था, जब मैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ लिखता हूँ तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। एक सेकंड भाई, ये देखो मेरे में आई नहीं रहे भाई मोदी जी। तुम देखो गाइस, यहाँ पर मैं जब सर्च कर रहा हूँ ना, मेरे को मोदी द फिल्म 2019 आ रहा है और मोदी जी आ नहीं रहे। मैं मलहन रिकॉर्ड से जब जाता हूँ यहाँ पर सर्च करते, देखो मोदी जी आ गए। तो मतलब मैंने ऐसा क्या करा जो मुझे ब्लॉक कर दिया गया? तुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे को लगता है मुझे प्लीज एक बार मैसेज कर दो उनको कि सर प्लीज अनब्लॉक फुकरा इंसान, प्लीज सर प्लीज अनब्लॉक मी। मैं इंडिया के लिए अच्छा एक टैक्स पेयर हूँ, अच्छा नागरिक हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले इलविस यादव के बारे में। भाई साहब, इलविस यादव का 3 मिनट की वजह से फ्लाइट मिस हो गई और वो फ्लाइट इंडिगो की थी। और इतना ही नहीं, उनके साथ में एक बंदे का एग्जाम था और उनकी भी फ्लाइट मिस हो गई। अब इस चीज पर इलविस यादव का क्या रिएक्शन था आप खुद देख लो। फ्लाइट मिस हो गई, 3 मिनट भारी पड़ गया हमारी जिंदगी के ना, 3 मिनट। कह रहे सर 3 मिनट लेट हो गए, इतनी देर बाद फ्लाइट उड़ी, हम आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, इनने 3 मिनट के ऊपर हमें रोक दिया। हमने इतना बोला, एक का एग्जाम भी था, एक लड़के का, उसका एग्जाम भी छूट गया। कम से कम एग्जाम वाले को जाने देते। हाँ, हमें ना जाने दिया, कोई बात नहीं, एग्जाम निकल जाता है जो कुछ बन जाता जिंदगी में। एक तरह देखा जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, मजाक हट गया भाई। 3 मिनट के पीछे एक बंदे की जिंदगी बर्बाद हो गई। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।